तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑब्टेन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी फंक्शन। पहले लेक्चर में हमने देखा था बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हटाने के लिए। ठीक, तो सपोज ये जेड एक फंक्शन दो टर्म वेरिएबल में। ठीक, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? इस क्वेश्चन से हमें ये पता चल जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, देन हमें वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले हम एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जेड अपॉन डेल एक्स। एक मिनट, ये ठीक। तो डेल डेट अपॉन डेल पी इज इक्वल टू एफ प्लस वाई अपॉन एक्स। अब विथ रिस्पेक्ट टू हम क्या करेंगे, वाई करेंगे। तो हमारे पास सिमिलरली ये इक्वेशन आ जाएगा। सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, इसे सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं। तो हमें यहां से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को एक्स क्यूब ये पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। ये अब कैसे आया, तो हमने क्या किया है, इस एक्स को इधर ट्रांसफर कर दिया है। अब ये हमारे पास एफ डेस वाई अपॉन एक्स की एक्स क्यूब मिल गई। अब इसे क्या करना है, यहाँ पे पुट कर देना है। यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगा। अब ये इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें ये रिक्वायर्ड आंसर मिल जा रहा है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आगे हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे, तो चलिए सॉल्व करते हैं।